एवरीवन, कैसा लग रहा है बैकग्राउंड मैंने खुद पेंट किया है। ये जो शेल्फ रैक है ना, मैं अब भी लिटरली 2 घंटे पहले लेके आई हूँ, इसलिए इतना खाली है। द रूम इज फाइनली कमिंग टुगेदर। एग्जाम्स थे ना, इसलिए आई वाज लिविंग इन अ प्लेन व्हाइट रूम। अभी एग्जाम्स हो गए तो मैंने पेंट कर लिया रूम। अब धीरे धीरे होम डेकोर लाना शुरू करूंगी एंड होपफुली इन अ वीक और टू मेरा रूम हो जाएगा एंड देन वी कैन हैव अ रूम टूर। बट तभी तक आल अपलोड वीडियोज लाइक हाउ आई पेंटेड माई रूम एंड सम होम डेकोर हॉल, तो वो सब हम करते रहेंगे एंड देन रूम टूर विल कम लाइक द फिनाले। Coming to today's video, now these are not our typical groceries, but these are more like healthy alternatives to our regular things. So let's begin our Amazon food haul. The first thing that I bought were these ragi choco jaggery cookies. अब मुझे ना biscuits और cookies बहुत पसंद है, लेकिन usually most of them में इतना सारा butter, इतना सारा मैदा होता है कि मैं बहुत rarely खाती हूँ। पर मैंने फिट ट्यूबर के वीडियो में ये बिस्किट्स को देखा था। दीज आर रेकमेंडेड फॉर किड्स एंड किड्स के फूड के साथ ना ज्यादा मस्ती नहीं की जा सकती, बिकॉज देयर सिस्टम्स आर वेरी फ्रेजाइल, तो इसलिए यूजुअली किड्स फूड अपने लिए अच्छा होता है। द फैक्ट दैट दिस बॉक्स इज एम्प्टी, इट सेज कि ये बहुत ज्यादा पसंद आए मुझे। दीज आर वेरी सॉफ्ट, थोड़ा सा नान कटाई जैसा टेक्सचर है, 3 फ्लेवर्स और है, सो आई थिंक यू विल लाइक इट। द नेक्स्ट थिंग दैट आई बॉट, आई डोंट थिंक इज द मोस्ट हेल्दी ऑल्टरनेटिव, इट्स द चिंग्स का शेजवान चटनी। आई वॉन्ट टू स्टार्ट ईटिंग मोर वेजिटेबल्स एंड मुझे ना वेजिटेबल्स का डायरेक्ट टेस्ट उतना ज्यादा पसंद नहीं आता, तो अगर मैं थोड़ा सा शेजवान मिक्स कर देती हूँ ना, देन आई एम एबल टू ईट अ फुल बोल ऑफ वेजिटेबल्स। तो अगर मैं वो रेशियो देखूँ तो दिस बिकम्स अ हेल्दी ऑल्टरनेटिव रादर देन ईटिंग अ फुल टिक्का मसाला सब्जी। द थर्ड थिंग एंड माई पर्सनल फेवरेट फ्रॉम दिस होल वीडियो इज माई ऑर्गेनिक प्लांट प्रोटीन। Since months you have been asking me what protein powder do I have, and I finally found a perfect vegan protein powder, because usually vegan protein powders mein na protein content bahut kam rehta hai and they're full of soy, and मैं already soy milk पीती थी and soya bhurji मैं almost रोज खाती हूँ, तो इतना सारा soy मुझे नहीं खाना था। So this one is by Oziva, it's an organic plant protein, it is soy free, it is lactose free, so it's completely vegan, and एक scoop में 30 ग्राम protein है, 5.2 ग्राम BCAA भी है। Also जो किड्स के फूड की बात की थी, दिस कैन बी कंज्यूम बाय किड्स अबव 3 ईयर्स ओल्ड। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ग्लूटेन फ्री है एंड इसमें कोई शुगर नहीं है। दैट इज वाई इट डज नॉट हैव अ टिपिकल स्वीट प्रोटीन पाउडर का टेस्ट, बट इसलिए मैंने खरीदा क्योंकि आई डोंट लाइक हैविंग अ शेक एवरी सिंगल डे। मुझे ना स्वीट चीजें पसंद है, लेकिन जब मूड हो तभी, बिकॉज ऑल द इन्ग्रीडियंट्स इन दिस प्रोटीन पाउडर आर ब्लैंड, ओवरऑल ये प्रोटीन का टेस्ट भी ब्लैंड है। तो आई रेकमेंड कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस इन शेक्स, एड दिस इन टू योर जनरल फूड, लाइक इवन ऑन द बॉक्स दे रेकमेंड कि इसको रोटी के आटे में डाल सकते हैं एंड यू कैन मेक प्रोटीन रोटीज, इसको दाल में मिक्स कर सकते हैं, इसको सैलड में ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। सो बेसिकली योर एवरी डे सेवरी फूड, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं ये प्रोटीन पाउडर ऐड करके, विच इज़ वाई आई पर्सनली हैव बीन लविंग टू यूज दिस। एंड मेरी बॉडी में एक साथ वो सारा प्रोटीन जाने का कंपल्शन नहीं पड़ता, धीरे धीरे इन द होल डे आई एम गिविंग इट मोर एंड मोर प्रोटीन। आई हैव बीन वर्किंग आउट मोर ऑफ्टन देन आई यूज्ड टू बिफोर, एंड जब भी हम वर्कआउट करते हैं ना, तभी मसल रिकवरी बहुत जरूरी होती है, बिकॉज यू आर टेयरिंग योर टिश्यूज। सो कंज्यूमिंग प्रोटीन रेगुलरली नाउ हैज बीन गिविंग मी फास्टर रिकवरी, तो मेरा जो सोरनेस होता है ना, लाइक द पेन आफ्टर द वर्कआउट, वो अब कम टाइम तक रहता है। ऑल इन ऑल इट डज नॉट ओनली हेल्प अस टू बिल्ड लीन मसल्स, बट इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन ऑल्सो हेल्प्स अस टू गेट बेटर हेयर, स्किन एंड नेल्स। I'll of course be leaving a link to this and everything that you see down below. So if you want to buy something, you can definitely check those links out. Talking about protein and healthy rotis, I bought gluten-free atta. अगर हम बाहर जाते हैं gluten-free pizza कुछ मंगाते हैं ना, oh god, it's always so expensive. So now I can make it at home. I plan to make healthy gluten-free protein rotis, because ये भी gluten-free है, ये भी gluten-free है. So I'm excited. Oh, next. I have something which is a little cheat meal but a healthier option. I have a vanilla pound cake mix. मुझे cakes बहुत पसंद है and dry cake ना, I love it. This is made from jawar and sweet potato flour. ऐसे सुन के थोड़ा अजीब लगता है, बट बिकॉज इट्स लाइक अ प्रॉपर बॉक्स, आई थिंक इट विल बी गुड। एंड इसमें ना नॉर्मल शुगर नहीं, इसमें रॉ केन शुगर है, विच इज हेल्दियर एंड लेस प्रोसेस्ड। वीगन ऑप्शन भी दिया है, मतलब एग्स वाला रेसिपी भी है एंड बिना एग्स वाला रेसिपी भी है, और ये भी ग्लूटेन फ्री है। कंटिन्यूइंग ऑन अ स्वीट टेस्ट बड्स ओनली, आई हैव अ डार्क चोको आलमंड बटर, दिस इज बाय अ ब्रांड जस्ट अमेजिंग। इसका इंग्रेडिएंट्स लिस्ट कितना छोटा है बताए, आलमंड्स, ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर एंड ऑर्गेनिक कोको पाउडर, दैट्स इट, नो प्रिजर्वेटिव,
इज नो दिस नो दैट. वैसे देखने जा रहा तो थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा, बट अगर हम पूरा जार आमंड का लेते तो वो भी महंगा पड़ता ही है. सो आई हैव बॉट दिस टू ईट दिस अलोंग विद से एप्पल्स और से अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेड या एक भाकरी के साथ भी अच्छा लगेगा. आई कैन ऑल्सो स्प्रेड दिस ऑन आवर वनीला पाउंड केक. हेल्दी आइसिंग ऑप्शन भी हो गया ये तो. नेक्स्ट आई हैव समथिंग फॉर यू इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन. आई हैव दिस वीगन मीट बाय अर्बन प्लैटर. नाउ आई हैव पर्सनली नेवर रियली हैड मीट, तो इवन व्हेन आई ईट इट आई वोंट बी एबल टू कंपेयर कि ये एक्चुअली रियल मीट जैसा कितना टेस्ट करता है. बट द रीजन आई बॉट दिस इज बिकॉज ऑफ कोर्स आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज प्रिपेयर फ्रॉम जैक फ्रूट एंड मुझे जैक फ्रूट बहुत ज्यादा पसंद है. मस्त बारबेक्यू जैसा टेस्ट मिलेगा. तो आई थिंक ये भी एक पूरा रेडी टू मेक डिश जैसा ही है. आई डोंट थिंक आई विल हैव टू ऐड एनीथिंग. बना के देखेंगे आज या कल में. टॉकिंग अबाउट बारबेक्यू, आई हैव अ बारबेक्यू सॉस बॉटल. दिस इज ऑल्सो माई ओपन प्लैटर. दिस इज अ बारबेक्यू हॉट सॉस and this is also 100% vegan. So this is what my update with veganism is, ki jahan jahan I can get vegan options I will take them. Non-vegan barbecue sauce bhi milta hai, but because I had this option available I would go for this. Another thing that attracted me to this was ki isme smoky likha hai. Usual barbecue sauces jo apne market mein milte hai na, they are very sweet but not that smoky. This one is more smoky than the usual ones, so I do like this quite a bit. The second last thing is this bottle of vegan parmesan. Now this is the only thing which has disappointed me yet. This is by Urban Platter again. This is all natural and dairy free. Iske ingredients hai cashew nut, sunflower seeds, yeast, dried garlic, pink Himalayan rock salt powder. Now I don't know why, lekin jab maine ye khaya na, mujhe literally sirf peanuts ka taste aa raha tha. Maine ingredient list to abhi padha, but before this I thought ki isme crushed peanuts bhi hoga, but this did not taste like cheese for me, but this definitely ups the flavor of the dish. तो अगर एक normal seasoning जैसे देख रहे हो then you can go for this. But अगर you will have the typical cheese का taste in your mind, then I am not sure how you'll like it. And the last item is to digest all this food. It is this organic spirulina powder by Herbalist India. अभी spirulina ना मेरे दिमाग में raw के किसी juice के वजह से बैठा हुआ था, क्योंकि I think it was the lean one by Ro, जिसमें spirulina होता है. So I thought कि चलो try करके देखते हैं, क्योंकि juice तो मुझे पसंद आया था, तो I think इसका taste मुझे पसंद आएगा. And all the benefits did sound very good to me. अब box पे तो नहीं लिखा जो सारे benefits मैंने online पढ़े थे. According to what I read, it's really supposed to be good for our digestion and it's rich in iron. तो I think it will help to make our body alkaline. तो acidity भी कम होगी. I am looking forward to trying this and seeing if it helps me or makes any difference. So this was my Amazon healthy food haul and also our first video with the new background. If you enjoyed watching this video, then that made me very, very happy and I will see you in the next one. Until then, goodbye!